दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर लगा हुआ एक सुंदर सा देश है भूटान। यह देश बाकी की दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। दोस्तों, भूटान में पहले विदेशियों को घुसने तक नहीं दिया जाता था और आज भी तय सीमा के अंदर ही बहुत कम पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। दोस्तों, भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है पर वह पूरी तरह से बंद है। इस छोटे से हिमालय देश के बारे में विदेशी भी बहुत ही कम जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूटान के बारे में कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, भूटान के राजा जिग्मे केसर नामजिल वांगचुक हैं, जो किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू शहर है, जो भूटान के पश्चिम में स्थित है। इसके साथ ही थिम्पू शहर भूटान की सबसे बड़ी सिटी भी है। इस शहर को पहले थिम्पू नाम से जाना जाता था। भूटान देश का अधिकांश भाग पहाड़ी भूमि पर स्थित है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है और यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी हमेशा जंगल का विस्तार करने में लगे रहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि धरती पर 60% जंगल होने ही चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान ने साल 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी लगा रखी थी। साल 1979 में पहली बार यहाँ पर विदेशी पर्यटकों को घूमने की इजाज़त मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या सीमित रखती है और दक्षिणी एशिया के बाहर से आने वाले लोगों के लिए $250 प्रतिदिन का चार्ज भी करती हैं। वैसे तो भूटान के पास अपनी थल सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरे होने के कारण इनके पास नौसेना नहीं है और इसके अलावा वायुसेना भी नहीं है। इन दोनों क्षेत्रों में भारत ही भूटान का ख्याल रखता है। साल 2001 से पहले भूटान ने टीवी और इंटरनेट रखने पर प्रतिबंध लगा रखा था। यहाँ पर एक ही राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर पहली बार चुनाव साल 2008 में करवाया गया था। भूटान की आर्थिक मदद करने वाला मुख्य देश भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाले सीमा को भूटान ने पूरी तरह से बंद कर रखा है। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने साल 2004 से पहले तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इसके अलावा यहाँ शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ तो भूटान ने साल 1999 से ही बैन कर रखी हैं। दोस्तों, भूटान ने ब्रिटेन के साथ कभी भी कूटनीतिक संबंध नहीं रखे। इस देश ने अपनी संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए विश्व भर के देशों से कोई संबंध नहीं रखा है। भूटान की राजधानी थिम्पू में ट्रैफिक लाइट ही नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ही ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। कुछ साल पहले सरकार ने यहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगवाई तो थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण सरकार को उन्हें हटाना पड़ा था। भूटान की 70% युवा आबादी बेरोजगार है और GDP के अनुसार यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है। इसका मतलब ये कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, उससे कहीं ज़्यादा उसे अवशोषित भी करता है। यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है। भूटान में लोगों की खुशी यहाँ की GDP पर भारी पड़ती है, क्योंकि भूटान GDP को विकास या आर्थिक वृद्धि का संकेतक नहीं मानता, इसलिए यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। केवल भारतीयों के लिए भूटान जाने पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है और भारत के नागरिकों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। भूटान में औरतें परिवार की मुखिया होती हैं और सभी व्यवसाय संभालती हैं। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को विरासत में संपत्ति भी मिलती हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, जो बकरी की तरह दिखता है। गंगखर उंगसुंग भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर किसी को चढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसके पीछे यहाँ के लोगों की मान्यता है कि वो एक पवित्र स्थल है, जिसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है।